बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो सेट्स ए एंड बी का ऐसा मल्टीपल होता है जिसके एलिमेंट्स एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। इस तरह से कि एक्स जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है एंड वाई जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। और यहाँ पर ये एक्स और वाई दोनों जो होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब अगर आपके पास कोई से दो सेट ए एंड बी गिवन हो, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा और ऑर्डर पेयर जो हैं उनमें से पहला एलिमेंट पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट आप दूसरे सेट में से लेकर उसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। हम लेते हैं एक सेट ए और ए के एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 एंड 2 और एक सेट लेते हैं बी और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। मैंने दोनों के डिफरेंट लिए हैं ताकि जब हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो हमें क्लियर हो जाए कि हमने ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए ए क्रॉस बी एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, दैट इज़ 1 2 क्रॉस बी के एलिमेंट्स, दैट इज़ ए बी एंड सी। अब आपने इनके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले देखें इसके एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। इसके एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है 3 2 6, जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर 6 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपने पहला इसका एलिमेंट लेना है और इसके साथ इन सबका ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर के लिए छोटी ये स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर 1 और फिर हम लिखेंगे कॉमा के बाद ए और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1 बी और ब्रैकेट क्लोज, देन 1 सी ब्रैकेट क्लोज। 1 से ख़त्म हो गया ऑर्डर पेयर बनना, अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 ए 2 बी एंड 2 सी, ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब काउंट करते हैं हम, ये 6 ही हैं। ठीक है, इस तरह से हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए के लिए सिर्फ बी का जो है सेट वो पहले आएगा और ए का सेट जो है वो आपका बाद में आएगा। अब दोनों के एलिमेंट्स तो सेम हैं इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में जो आएंगे वो सेम आएंगे। अब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहला एलिमेंट लेंगे। ठीक है, पहले सेट का पहला एलिमेंट और इसके साथ पेयरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1 ए एंड ए 2, देन ए ख़त्म हो गया, अब बी से बी 1, देन बी 2, फिर सी से सी 1 एंड सी 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से पेयर बनाते हैं। पहले इसका एलिमेंट लेंगे और उसके साथ इसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इनके साथ पेयरिंग, फिर तीसरा एलिमेंट फिर इसके साथ पेयरिंग। इधर से आपने इस साइड पर मूव नहीं करना, आपने सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन में मूव करना, ये आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, और ऑर्डर पेयर में आपके पास अगर कहीं लिखा हुआ है दैट इज 1, 2, तो ये 2, 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये बराबर नहीं होते, सेट्स की फॉर्म में अगर ये लिखे होंगे तो बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम आते हैं इसके बाद। अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने दो निकाले हैं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इसके अगर हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो वो जो सबसेट होंगे वो कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, यानी बाइनरी रिलेशन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, और ये सिंगल आर लिखा जाता है। जैसे रियल नंबर में 2 लाइंस होती हैं, रिलेशन के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है। आर इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। जिसका भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके जो सबसेट आप बनाएंगे वो रिलेशन कहलाएंगे। रिलेशन अगर ज़्यादा होंगे तो आप आर के साथ 1, 2, 3 यूज़ करेंगे। अब इसमें से ये हमारी मर्जी है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है कि आपने क्या लेना है तो फिर आपकी चॉइस होगी कि आप किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सेट रिलेशन निकालते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं आर 1, हमने यहाँ पे ले लिया 1 ए। ठीक है, इसी तरह से हम लेना चाहें तो आर 2 आर 2 हो सकता है 2 ए 2 बी एंड 2 सी। ठीक है, ये भी सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
अब अगर हमने ये रिलेशन निकालनी है, आप जितने चाहें या जितने वो आपसे कहेगा आपने उतने फाइंड आउट करना है। आपने अब यहाँ पर इनमें से देखना है जो ऑर्डर पेयर आपने निकाले हैं उनके जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन, और ये सिंगल सेट होता है, इसमें ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। पहला एलिमेंट वन है तो डोमेन इसकी वन हो गई है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है तमाम ऑर्डर पेयर्स का उसको कहते हैं रेंज। रेंज इसकी कितनी है, एक ही एलिमेंट है और वो है ए। अब इस तरीके से इसकी निकालेंगे, डोमेन को शॉर्ट में डोम लिख लेते हैं और आर टू का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पहले एलिमेंट कितने हैं, टू हैं। टू तीन दफ़ा आ रहा है लेकिन आप सेट की फॉर्म में हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं। रेंज जो है वो आपके यहाँ हो जाएगी सेकेंड एलिमेंट्स, और वो कितने हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ये इस तरह से हमने रिलेशन निकाली है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट आप फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास रिलेशन कहलाएगा, और उस रिलेशन्स के जो पहले एलिमेंट का सेट बनाएंगे वो डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट का सेट जो है वो रेंज होगा। लेकिन ये आपने तब बनाना है जब वो आपसे कहेगा कि आपने ये फाइंड आउट करना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 8.2, और 8.2 को हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 8.2 का आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, ये चार सवाल हमें करने हैं, तो चलें लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि आपको एक सेट गिवन है ए, और आपसे कह रहा है कि आपने इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद इसमें से दो बाइनरी रिलेशन निकाल के आपने उनकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो सेट यहाँ पर आपको ए गिवन है, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है -2, 1 एंड 4। अच्छा, एक सेट गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, एक सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको निकालना होगा ए क्रॉस ए, ये हो जाएगा -2, 1 एंड 4, फिर लगाएंगे क्रॉस और फिर हो जाएगा आपके पास -2, 1 एंड 4। सेम सेट को आपने दो दफ़ा लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं अब हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला इसका एलिमेंट लेंगे और इसके साथ पेयरिंग करेंगे, यानी -2, 1, -2, -2, -2, -2 एंड 4। फिर आते हैं सेकेंड, इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे, ये हो जाएगा 1, -2, 1, 1 एंड 1, 4। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे वाली लाइन पे जाऊँगी, लेकिन मैंने यूं बड़ी करके ब्रैकेट नहीं ड्रॉ करनी। ब्रैकेट सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट में लगाएंगे और एक दफ़ा लास्ट में लगाएंगे। अब हम लेते हैं इसका तीसरा एलिमेंट, दैट इज़ 4। 4 के साथ पेयरिंग करेंगे, दैट इज़ -2, 4, 1 एंड 4, 4। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट में ब्रैकेट लगानी और एक दफ़ा आपने एंड पे ब्रैकेट लगानी। ये हमने निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है रिलेशन, और यहाँ पर आंसर सबके मैच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन आपकी चॉइस पर है, आप कोई भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी रिलेशन निकालना है आपने डोमेन एंड रेंज जो है उसकी रिस्पेक्ट से निकालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स हम लेते हैं, दैट इज़ -2, -2, 1, 1। हमने वो ले लिए हैं जिनमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये एक हमने रिलेशन निकाल लिया। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ R1, और फिर निकालते हैं इसकी रेंज, रेंज ऑफ R1। ठीक है, डोमेन क्या होगी, सेट के पहले एलिमेंट, पहले एलिमेंट क्या है, -2, 1 एंड 4, और फिर दूसरे एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट क्या है, -2, 1 एंड 4। तो ये हमारे सेट की डोमेन एंड रेंज आ गई है। दूसरा रिलेशन लिखते हैं, वो भी आपकी चॉइस पर है। दोबारा बता रही हूँ कि आपके आंसर्स मैच होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ना ही बुक से आपका आंसर मैच होगा। ठीक है, अब हम कोई सा भी एक रेंडमली ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 4 एंड -2, और ले लेते हैं 4 एंड 1। ठीक है, ये हमने एक सेट सेलेक्ट कर लिया। अब हमने लिखनी है इसकी डोमेन, डोमेन R2, और साथ में लिखनी है रेंज, ठीक है। डोमेन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, दो दफ़ा आ रहा है लेकिन आपने सेट में सिंगल टाइम लिखना है। फिर आपने लेनी है रेंज, रेंज में क्या है, -2 एंड 1।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर है कि आपके पास दो सेट्स हैं एल एंड एम। आपसे कह रहा है कि आपको एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को जो भी ऑर्डर पेयर वेरीफाई करेंगे आपने वो निकालने हैं। तो आपको सबसे पहले गिवन है एल क्रॉस एम, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एल के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और क्रॉस एम के एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले निकालते हैं। उसके लिए आपने पहला एलिमेंट इसका चूज करना है और इसके साथ इसकी पेयरिंग करनी है, 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट चूज करेंगे, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। फिर तीसरा एलिमेंट चूज करेंगे, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन थी? कंडीशन थी कि रिलेशन आपने ऐसा निकालना है, ऐसे ऑर्डर पेयर आपने सेलेक्ट करने हैं जिनमें पहला एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है एल से और दूसरा एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है एम से, लेकिन साथ ही साथ आपने वो लेना है जिसमें वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स होगी। ठीक है, ये वैल्यू एक्स की होती है और ये वैल्यू वाई की होती है। अब आपने क्या करना है, वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसमें वाई की वैल्यू एक्स से एक तो छोटी होगी या फिर बराबर हो सकती है। ठीक है, एक तो आपके पास हो जाएगा बराबर, किस में है? बराबर इसमें है। ठीक है, एक ये हो गया और आपके पास है इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास इससे छोटी है और इसमें भी बराबर है। तो ये जो हमें हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर रहे थे वो मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब हमारे पास रिलेशन जो है उसका आंसर हो जाएगा, ये जो मैंने अंडरलाइन किए इनको मैं नीचे कॉपी कर लूँगी, 2, 2, 3, 2 एंड 3, 3। ठीक है, साथ में मुझे इनकी डोमेन एंड रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन जो है वो आपके पास आएगी और रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। डोमेन पहले एलिमेंट 2 एंड 3 और दूसरे एलिमेंट भी 2 एंड 3। सेट में रिपीटेशन नहीं होती, इसलिए आपने जो एलिमेंट्स दो दफ़ा आ रहे हैं या तीन दफ़ा आ रहे हैं आपने उनको एक ही दफ़ा में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास, आपको दो सेट्स गिवन है एक्स एंड वाई और आपसे कह रहे हैं कि रैंडमली आपने कोई से चार कार्ट इसमें से बाइनरी सेट निकालने हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स आपके पास है दैट इज 0, 3 एंड 5 और वाई जो है वो आपके पास है 2, 4 एंड 8। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपने एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, वाई क्रॉस एस भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन आप यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई निकाल रहे हैं। पेयरिंग करेंगे हम, पहले तो एलिमेंट्स उतार लेते हैं नीचे, 0, 3 एंड 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2, 4 एंड 8। ठीक है, पहला एलिमेंट इसका चूज़ करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 0, 2, 0, 4 एंड 0, 8। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे 3, 2, 3, 4 एंड 3, 8। उसके बाद तीसरा एलिमेंट 5, 2, 5, 4 एंड 5, 8। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है यहाँ से रिलेशन। यहाँ पर भी आपके आंसर मैच होना ज़रूरी नहीं है, सबके आंसर डिफरेंट होंगे। हमने कोई से चार रिलेशन निकालना है और यहाँ पर डोमेन रेंज निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला रिलेशन R2, दूसरा रिलेशन इसी तरीके से R3 निकालेंगे और फिर R4 निकालेंगे। चार रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है जी, आते हैं यहाँ पर, कोई से भी आपने सेलेक्ट करना है, रैंडमली सेलेक्ट करना है क्योंकि कंडीशन गिवन नहीं है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपने यही सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये लीजिए, चार रिलेशंस निकल आए हमारे पास, क्वेश्चन हो गया हमारा डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास, एक दो सेट्स आपको गिवन है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन गिवन है, यानी रिलेशन यहाँ पे आपको गिवन है जी
और वो है आपके पास ए एंड फोर और बी फोर और सी फोर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी आपको दो सेट्स भी गिवन है। आपसे कह रहा है कि आपने पहले तो प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो इनटू है या नहीं है। तो ये आपने देखना है सबसे पहले कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन जो है वो इसकी आपके पास है, पहले एलिमेंट्स वो है ए बी एंड सी। ठीक है, फिर आपने निकालनी है रेंज, और रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेकंड वन, क्योंकि सेकंड में सब पे फोर आ रहा है तो रेंज आपके पास फोर है। अच्छा, फंक्शन इनटू कब होता है? फंक्शन इनटू तब होता है जब आपकी रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो। रेंज सेट बी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखते हैं रेंज क्या है, फोर है, और बी का सेट क्या है हमारे पास, बी का सेट है आपके पास टू फोर एंड सिक्स। राइट, तो हमारी जो रेंज है वो बी सेट के बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो है इज इन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू तब होगा जब रेंज जो है वो सेट बी के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस सारे काम को अपने अपने रजिस्टर्स में करना है आपने, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।